हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलते हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग एक कक्षा 12 NCERT अध्याय एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न 1.10 पर। जी हाँ, पहले अध्याय के 10वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी ये हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। अब हम आपसे अगर पूछे कि आप इसको प्रदर्शित कैसे करोगे, तो पी से प्रदर्शित करोगे। कैसे प्रदर्शित करोगे, स्मॉल पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर आप सभी ने इसके पहले के जो वीडियोज हैं, जो कि जिसमें कि पहले चैप्टर के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जिसमें निचोड़ है, जिसमें कि सारे सूत्र आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो अभी मैं बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। क्योंकि आप उन वीडियोस को देखे रहेंगे तो आपको कोई भी फार्मूला मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल है। 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई से, यानी कि ये जो सिस्टम है वो इस क्षेत्र में इसकी दिशा से 30° के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखिए, यहां पर पूछ रहा है हमें बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग सूत्रों के हिसाब से अगर इसको देखें, तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहां पर दूरी 2L, अगर ये है यहां पर, जो कि इसकी दिशा से थीटा कोण पर है, तो जो बल आघूर्ण होता है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होता है, तो मैं इसको केवल बल आघूर्ण ही लिख रहा हूं, आप समझ लेना, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, पीई साइन थीटा, क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब देखिए, अभी भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, पी पी का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, सॉरी कूलाम मीटर, इसका मात्र, चूंकि P बराबर होता है क्यू इंटू आवेश गुणे दूरी, तो इसका हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका क्या हो जाएगा कूलाम मीटर, और E का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका क्या होता है E का, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, चूंकि ये शुद्ध अनुपात है, तो यहां पर जब हम न्यूटन प्रति कूलाम जब करेंगे तो यहां कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब यही कुछ, यही देखिए सीधा सा हमारा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, ई का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, जो पी यहां दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो देखिए, यहां भी दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ कूलाम मीटर, ये जो पी का जो वैल्यू है पी का वो यहाँ दिया हुआ है, ई का देखिए यहाँ दिया हुआ है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो आइए हम लोग आराम से इसको हल कर लेते हैं। देखिए, इसमें समझना था केवल फार्मूला, और हम लिखेंगे द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण
तो फार्मूला लिख लेंगे टाउ बराबर पीई साइन थीटा। यहां पर पी का मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹ ई का मान दिया हुआ है 5 × 10⁴ और साइन, अब देखिए कोण कितना दिया हुआ है, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है इससे कितने कोण पर है, 30 अंश के कोण पर है। अब हम सिंपली इसको हल कर लेंगे तो देखिए 4 × 5 हो जाएगा ये 20, 4 × 5 हो जाएगा 20, 10⁻⁹ यहां है, यहां -4 है तो 4 × 9 मिल जाएगा -5 और साइन 30 अंश का मान आप जानते हो 1/2। अब 2 से इसको आप काट दो, 2 × 10 = 20 तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁵। अब देखिए 10 के पीछे दशमलव छिपा रहता है तो एक अंक इसको इधर आप खिसकाओगे तो ये मानक रूप में लिखा जाएगा 1.0 × 10⁻। तो जब दशमलव आगे आता है तो 10⁻ में प्लस होता है, अगर पीछे जाता है तो 10⁻ में माइनस होता है। तो चलिए ये चूंकि इधर आ रहा है तो ये हम प्लस करेंगे, तो जब -5 में +1 करेंगे तो क्या आएगा -4 और इसका मात्रक हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं न्यूटन मीटर। तो जब भी कोई मात्रक पूछे तो आप तुरंत सूत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।